लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या था। क्वेश्चंस तो लिखवा दिए ना मैंने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसके लिए, करंट वीडी में रिलेशन, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ लिमिटेशंस, सब बता दिए है ना। ये प्रॉब्लम हो गई बेटा, हाउ लॉन्ग टाइम बताना था इसके अंदर, हो गई है ना। अच्छा इसके बाद ये जो हमारी नेक्स्ट, शायद इसे ही कर रहे थे हम लोग कल, हाँ इसे ही बना रहे थे। ठीक है, बनाया आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को जिसमें तुम्हारा आंसर वो 10 की पावर क्या बन रहा था, प्लस 3 माइनस 3, प्लस 3 तो आएगा ही नहीं। मैं बताता हूँ किस तरीके से, मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि थोड़ा सा याद किया करो, ये चीज़ मैंने तुम्हें सेमी कंडक्टर में भी सिखाई थी कि जब तुम एम के एस वैल्यूज़ का यूज़ करते हो ना, तो एवोगैड्रो नंबर जो होता है तुम्हारा, एवोगैड्रो नंबर जनरली तुम क्या पढ़ते हो, एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6 × 10³ पढ़ते हो ना। लेकिन जब आप एम के एस यूनिट का यूज़ करते हो तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6 × 10²। जब किलोग्राम मीटर सेकंड का यूज़ होता है तो एवोगैड्रो नंबर होगा आपका 6 × 10²। देखो जैसे एरिया तो आपको गिवन दे रखा है इसके अंदर, है ना एरिया, और क्या गिवन है, करंट गिवन है, और क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और क्या है, एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, सो हमें निकालना है वी डी, वी डी का फॉर्मूला क्या होगा, करंट अपॉन एन ई ए। ठीक है, अच्छा स्मॉल एन को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम, और साथ में है ई ए, लिख सकते हैं ना। अच्छा उसने कह रखा है कि जितने एटम है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे आगे, हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि करंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिख पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिख पाएंगे मास अपॉन एटॉमिक मास अपॉन में है वॉल्यूम, साथ में है एवोगैड्रो नंबर, यह है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और यह है एरिया। ठीक है, अब आप देखिए वी डी इज इक्वल टू करंट अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी अपॉन में है कैपिटल एम, ओके, और साथ में है एन नॉट, साथ में है स्मॉल ई, और साथ में है कैपिटल ए। अब हो जाना चाहिए पूरा काम, करंट आपके पास में है, डेंसिटी आपके पास में है, एटॉमिक मास आपके पास में है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, एरिया भी है, बस ये जो एन नॉट है जिसे हम एवोगैड्रो नंबर का नाम देते हैं, क्या रखना है इसकी वैल्यू, वैसे तो 6.022 होती है, लेकिन वो 6.022 आप छोड़ दो, ये बनेगा 10²। ठीक है, 6 × 10², यूज करिए डेटा का, क्या निकल जाएगी यहाँ से, ड्रिप वेलोसिटी निकल जाएगी। जब ग्राम की बात होगी तब एवोगैड्रो नंबर है 10³, और जब किलोग्राम की बात हो रही है तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6 × 10², बन जाएगा ना, बोलो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, देखो बेटा नेक्स्ट स्पीड है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को दे रखा है कि थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अगर हम एक रूम टेम्परेचर की बात करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से पहले की कंडीशन हम देखें, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, उनकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले की जो वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी है, और उसका ऑर्डर होता है 10⁴ से, (10⁵ m/s). ठीक है, 10⁴ से 10⁵ है, ध्यान रखना, +4 से +5 m/s, ये थर्मल स्पीड का ऑर्डर होता है बच्चों। अरे यहां आ जाओ ना, आगे वहां बैठना जरूरी थोड़ी ही है, यहां बैठ जाओ आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग द करंट। भाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, उस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड।
और उसका ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेटली 10^-4 मीटर पर सेकेंड। ये ऑर्डर होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद की वेलोसिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से जो पहले की वेलोसिटी है उसका नाम क्या है, थर्मल, वो 10^+4 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद 10^-4 है। ठीक है, ओके। फर्स्ट वाली कंडीशन हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। अगर थर्मल स्पीड का कोई फॉर्मूला बेटा आप लोगों से पूछेगा ना, तो थर्मल स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास में √3kT/m। ध्यान रखिएगा, ये थर्मल स्पीड का फॉर्मूला होता है जो हम 11th क्लास के थर्मोडायनामिक्स से पढ़ते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से जो स्पीड रहेगी इसकी। फोर्थ कंडीशन भी हमारी बिल्कुल वही, थर्ड कंडीशन भी हमारी बिल्कुल वही है जो सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, वहां भी ड्रिफ्ट स्पीड से ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमारी उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, इसका जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, और उसका फॉर्मूला हमने बनाया है करंट अपॉन स्मॉल एन ई स्मॉल ए, आई अपॉन स्मॉल एन ई ए। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल एन अपॉन कैपिटल वी। कैपिटल वी यहां वॉल्यूम का काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका फर्स्ट पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बेसिक पॉइंट आप लोगों से पूछे गए हैं। देखिए, ये दो पॉइंट ऐसे हैं बेटा जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, दोनों पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, और दोनों का लगभग लगभग एक ही आंसर है। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी हम लोगों ने एक बात देखी यार, ध्यान से जरा सुनिएगा, ये कोई मेटेलिक वायर है, और ये मेटेलिक वायर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कुछ इस तरीके से। इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट बनती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से वायर के अंदर करंट एस्टैब्लिश हो जाएगी। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है उसे थर्मल स्पीड बोलते हैं, और वो होती है 10^+4 यानी बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद की जो स्पीड होती है उसे हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, और वो होती है हमारे पास में बहुत कम, वो है 10^-4। समझ में आ रही बात? देखो, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत कम है 10^-4, फिर भी आप जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, जैसे स्विच को आप प्रेस करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, एकदम से लाइट कहाँ पहुंच जाती है, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में पहुंच जाती है, और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी कम है तो लाइट इतना जल्दी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इतना जल्दी सर्किट के अंदर कैसे एस्टैब्लिश हो जाती है, ये हमें बताना है। इसके पीछे सिर्फ एक ही आंसर है, दोनों पॉइंट का आंसर लगभग लगभग आप ये समझिए कि सेम है। पॉइंट ये है कि किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी रहेगी वो इतनी रहेगी 5×10^28। देखो 10^28 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं। जब हल्का सा इलेक्ट्रॉन पूरा मूव करके नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने जो उसका नेबरिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना उसे अपनी एनर्जी पास कर देता है, फिर अगले वाला इलेक्ट्रॉन अगले वाले को एनर्जी पास कर देगा, ऐसे ही एनर्जी पास होती चली जाएगी और जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। समझ में आ रही बात? तो इसका आंसर यह है, ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के बहुत ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम होने के बावजूद भी सर्किट के अंदर एकदम से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, अब आप ये देखिए कि करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला है NeAVD। अरे भाई समझ आ रही बात, यह है नहीं करंट का फॉर्मूला NeAVD। उसने कहा कि स्मॉल ई ये बहुत छोटा है, VD भी बहुत छोटा है। समझ में आ रही बात? आप ये समझिए कि स्मॉल ई का ऑर्डर है 10^-19, है ना, 10^-19 ऑर्डर की बात कर रहा हूं, सिर्फ ऑर्डर की बात। ठीक है, और VD का ऑर्डर है 10^-4। ठीक है,
एरिए का ऑर्डर भी लगभग लगभग 10 की पावर माइनस 4 के आसपास ही रहता है, लेकिन ये जो स्मॉल एन है इस अकेले का ऑर्डर इतना ज्यादा है कि ये इन सबको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी इन सबको क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। स्मॉल एन का ऑर्डर क्या रहेगा फ्री किसी भी मेटल के लिए स्मॉल एन का ऑर्डर रहेगा 10 की पावर 28। कितना रहेगा? 10 की पावर 28। ये माइनस के 19, माइनस के 4, माइनस के 4, 19 और 8 कितना हो गया, 27 हो गया ना, 27। और ये क्या है, 10 की पावर +28 +28 और 20 -27, 10 बच गया हमारे पास में। यानी n की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से सर्किट के अंदर हमें ज्यादा करंट मिलती है। समझ में आ रही बात? भले ही स्मॉल e कम है, भले ही VD कम है, लेकिन n की वैल्यू तो ज्यादा है और इसी वजह से आपको ज्यादा करंट मिल रही है। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर लिख दीजिए, ड्यू टू वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ स्मॉल n। ठीक है, स्मॉल n की लार्ज वैल्यू होने की वजह से आप सर्किट के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास में ये है, अब ध्यान से बात सुनिएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये है कि भाई अगर हमने, देखो यार जनरली क्या होता है, आप देखो जरा बात सुनो, मान लो कि कोई मेटेलिक वायर है हमारे पास में, ठीक है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हमने इस तरफ लगा दिया है पॉजिटिव, इस तरफ लगा दिया है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव और ये सारे नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करेंगे और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब होंगे या नहीं होंगे, मतलब सीधा सा मतलब ये है, अगर हमने नेगेटिव पॉजिटिव किसी वायर के ऊपर अप्लाई कर दिया, क्या इसका मतलब यह है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलेंगे? तो अगर ऊपर लेवल से हम देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल से देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल के करंट इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंटरनल लेवल पर जाकर अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चलती है, यानी मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 में से 90 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलते हुए करंट को पास कराएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो करंट की डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, यानी आप ये समझिए कि जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रही बात? फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को पास कराएंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन करंट को पास नहीं कराएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन करंट को पास कराने का काम नहीं करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एक सीधी लाइन में ना चलकर जिगजैग मोशन दिखाते हैं कई बार, और वो वहां रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रही बात? तो हमारा इस सेकंड पॉइंट का आंसर होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नो। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो सीधी लाइन में चलेंगे, लेकिन कुछ 5% 10% इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, कोई स्पिन करता रहता है वहीं के वहीं, कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई एक्साइट होकर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में पहुंच जाता है। तो फिर भी 5% या 10% इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो करंट की डायरेक्शन में ना जाकर या करंट के साथ ना जाकर रेजिस्टेंस ऑफर करने का काम करेंगे। समझ में आ रही बात? तो सेकंड पॉइंट का आंसर होगा नो, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं चलने वाले। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, दोनों थियोरेटिकल पॉइंट है। समझ आ गए ना आप लोगों को दोनों? पहले वाले पॉइंट का आंसर क्या होगा, स्मॉल एन की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से करंट ज्यादा मात्रा में वहां एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट का आंसर होगा कि 80-90% इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एक्साइटेशन, आयोनाइजेशन, स्पिन, रेजिस्टेंस, इन सब की वजह से उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, मतलब तुम यार यहां तो ये कहते रहते हो कि सर हमें समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर में चेक कर रहा हूं, कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से तुम लोगों ने लिखा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे आप लोग आंसर देते हैं। तुम्हें यार एक एक चीज हम लोग यहां बताकर चल रहे हैं, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही बात हमें बताओ, हम तुम्हें 10 बार वही चीज एक्सप्लेन करेंगे। तुम्हें कोई क्वेश्चन, मतलब एक बार में कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो उस तरीके के 4 क्वेश्चन मुझसे पूछो। लेकिन जिस चीज के लिए हम रिविजन कर रहे हैं, सही तरीके से तैयारी करने के लिए हम रिविजन कर रहे हैं, उसे सही तरीके से करो, एक फॉर्मेलिटी मात्र पूरी मत करो यार, अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे डिस्कस करो जब तक वो क्लियर ना हो जाए पूरी तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में,
अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ अ कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग। देखो दो डेटा हम लोगों को दिए गए हैं, एक हमें दिया गया है डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, या हम इसे कह सकते हैं वी, और यह है हमारे पास में 100 वोल्ट। क्लियर, जल्दी बोलिए फटाफट। वायर की लंबाई हमें कितनी दी गई है, वायर की लंबाई हमें दी गई है 1 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपेयर इट विद द थर्मल वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो हम लोगों को भैया इसे 100 वोल्ट लगाया हमने और लंबाई हमें 1 मीटर दे रखी है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो बेटा, ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं। हम इस सवाल को ना दो तरीके से सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास में एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, इस चैप्टर का पहला ही फॉर्मूला है, आप ये समझिए। स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू टॉर्क अपॉन एम, ठीक है। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क का मतलब है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, और स्मॉल एम का मतलब है मास। ठीक है, अब आप ये देखिए बेटा, यहां ये हमारे पास में कांस्टेंट है और ये भी हमारे पास में कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10^-14। ठीक है, और ये भी हमारे पास में कांस्टेंट है। अब आप आगे देखो, स्मॉल ई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन लेंथ, वोल्टेज अपॉन, याद रखना कैपेसिटेंस के अंदर हमने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ, साथ में है टॉर्क और अपॉन में है स्मॉल एम, इसका नाम है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाउ इसे हम कहेंगे। ठीक है, अब सीधा वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं बेटा, माइनस साइन भी होता है लेकिन मैं माइनस दिखा नहीं रहा हूं। स्मॉल ई की वैल्यू है 1.6 × 10^-90, वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको दिया है 100, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है तो आगे से आप याद रखिएगा, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, और इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लेने वाला है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है फिक्स, वो है 10^-14 अपॉन में, देखिए क्या है हमारे पास में मास। बेटा मास को हम लिखेंगे 9.1 × 10^-31 और लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर। ये निकल जाएगी हमारे पास में एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या निकल जाएगी हमारे पास में, बताओ समझ आया या नहीं आया। सिंपल फॉर्मूला है आपके पास में, बस इतना ध्यान रखना ये तीन चीजें कांस्टेंट है, कैपिटल ई को हमने लिख दिया वी अपॉन एल, वी और एल दोनों गिवन है, आंसर हो गया हमारा। ये तो निकल गई बेटा ड्रिफ्ट स्पीड, आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल दोगे, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बड़े आराम से निकाल दोगे, कोई परेशानी तो नहीं है ना किसी को। अब हमें इसे ना कंपेयर करना है, हमें इसे कंपेयर करना है थर्मल स्पीड से। पहले आप मुझे ये क्लियर करिए, थर्मल स्पीड कब होती है और ड्रिफ्ट स्पीड कब होती है। थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड, कौन सी स्पीड है थर्मल स्पीड, और ड्रिफ्ट स्पीड कौन सी स्पीड है। जब तक आपने किसी वायर को किसी सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं किया है, यानी किसी वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो रेंडमली जिगजैग मोशन करते रहते हैं, उस समय जो उनकी स्पीड होती है उसे थर्मल स्पीड बोलते हैं, समझ में आ रही बात। और वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड, जो हम लोगों ने जस्ट अभी कैलकुलेट की है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। थर्मल स्पीड का जो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में, वो है √3kT/m, समझ आया। अब ठीक है, थर्मल स्पीड निकालते हैं, देखते हैं थर्मल स्पीड कितनी होगी, जरा ध्यान से। 3 बेटा, के होता है कांस्टेंट, इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 1.38 × 10^-23। ठीक है, टी है हमारे पास में टेम्परेचर, बताइए टेम्परेचर कितना होगा, कितने टेम्परेचर दे रखा है आपको, लेकिन सेल्सियस में नहीं रखना है, केल्विन में रखना है, 273 ऐड करिए इसके अंदर, ये हो जाएगा 300। अरे होगा या नहीं होगा, हमने सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 उसमें ऐड किया। अपॉन में है एम, एम है इलेक्ट्रॉन का मास, यह है 9.1 × 10^-31। बताओ ये वाली स्पीड कौन सी है, ड्रिफ्ट, बैटरी से जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन की स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड, और बैटरी से जोड़ने से पहले जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उसका नाम क्या है, कंपेयर करना है, डिवाइड कर दो एक दूसरे को उठाकर, आंसर निकल जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया, ठीक है कर लीजिए फटाफट नोट।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसके ठीक है। तो अब आपके पास में ड्रिफ्ट स्पीड के कितने फॉर्मूले हो गए मुझे ये बताओ, दो फॉर्मूले, दो तीन कहां से हो गए भाई है? वही तो, और एक ये, और तीसरा कहां है? दो हो गए ना, तीसरा कहां है? एक तो ये हो गया, एक NEAVD वाला हो गया, वो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है, वो कहां का है? वो थर्मल स्पीड का, वो अलग है ठीक है। तो बेटा ड्रिफ्ट स्पीड का जब भी सवाल बनेगा तो आप दो ही फॉर्मूलों से करेंगे। पहला फॉर्मूला कौन सा है आपका? NEAVD, जब करंट गिवन होगी आपको, समझ में आ रही बात। और अगर वोल्टेज गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला है आपके पास में? अरे वोल्टेज गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला है? E into टॉर्क अपॉन, बताओ कैपिटल E को आप क्या लिख सकते हो? V upon L। और ये आपके पास में किसका फॉर्मूला है? थर्मल स्पीड। जानते हो ना थर्मल स्पीड क्या होती है? बैटरी से कनेक्ट करने से पहले इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से जिगजैग मोशन कर रहे हैं रैंडमली, उसे हम कहेंगे थर्मल स्पीड। ये हमारे पास में थर्मल स्पीड है, क्लियर। तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई, ड्रिफ्ट स्पीड, गलती नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन बनाना है इसका। बना डालोगे? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रॉब्लम है। ध्यान से आप देखिएगा क्या है प्रॉब्लम। टू वायर ऑफ इक्वल लेंथ, हाँ बेटा क्या इक्वल दिया है? लेंथ, ठीक है। वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस, भाई रेजिस्टेंस भी उनके सेम है, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द टू वायर इज लाइटर, कौन सा वायर हल्का होगा आपको यह बताना है। एक काहे का बना है? एल्यूमिनियम का, और दूसरा काहे का बना है? कॉपर का। आपको बताना है कौन सा वायर हल्का होगा, ठीक है। अब हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसी भी वायर का रेजिस्टेंस लिखने का तरीका होता है बेटा ये, किसी भी वायर के रेजिस्टेंस लिखने का तरीका हमारे पास में ये है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RL/A। रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन फिजिकली डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक लंबाई पर और एक मोटाई पर। ये हमारे पास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। हमने यहां लिखा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर और ये है एरिया ऑफ कॉपर। रेजिस्टेंस और लेंथ सेम है तो मैंने उसमें कॉपर नहीं लिखा, ठीक है। आगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम लेंथ, और यहां क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। जल्दी से बताइए, समझ आया नहीं आया? इसे हमने क्या नाम दिया? वन, और इसे हमने क्या नाम दिया है? सेकेंड, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दें आपस में, करें या ना करें? क्या करेंगे? इक्वल। क्यों करेंगे इक्वल? क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस के इक्वल और ये भी किसके इक्वल है? चलिए दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास में? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर लेंथ और यहां है एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, यह है रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, यह है लेंथ और यह है एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। अरे बताओ भाई, जल्दी से समझ आया नहीं आया? क्या से क्या कैंसिल आउट? लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट। हमारे पास में बना रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। जल्दी से बताओ, समझ आया नहीं आया? अब हम एक काम करते हैं बेटा, ध्यान से जरा एक बात बताओ जरा मुझे। अगर हम एक काम करें, यहां भी लेंथ से मल्टीप्लाई करें और यहां भी लेंथ से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। हमने यहां भी कहां से मल्टीप्लाई कर दिया? चलो छोड़ो यार, लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करते हम, जो हमें पूछा है ना वही हम बताते हैं इसके अंदर। अब देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि यार बताओ कौन सा हल्का होगा कौन सा भारी होगा, ठीक है। हल्का भारी तो भाई मास से ही बता सकते हैं, जिसका मास कम होगा वो हल्का है, जिसका मास ज्यादा होगा वो भारी है। तो देखो मास कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से। हमने लिखा मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, भाई मास का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? मास का बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बताओ कॉपर के मास को हम क्या लिख सकते हैं? कॉपर के मास को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ कॉपर, ठीक है। साथ में क्या है? लेंथ, और साथ में क्या है? डेंसिटी ऑफ। जल्दी से बताओ, समझ आया नहीं आया?
एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बन जाएगा मास। जल्दी से बताओ, समझ आया नहीं आया? नीचे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ एल्यूमिनियम को हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और यहां लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। क्यों लिखा हमने मास को ऐसा, एरिया की मल्टीप्लाई लेंथ से करेंगे तो क्या बन जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई डेंसिटी से करेंगे तो क्या बनेगा मास। दोनों में एल एल क्यों रखा मैंने, ऊपर भी एल नीचे भी एल क्यों रखा है, क्योंकि लेंथ कैसी है सेम। समझ आ रही है सभी लोगों को बात, लेंथ से लेंथ क्या हो गई कैंसिल आउट। जल्दी बताइए, समझ आया नहीं आया, ये बताइए क्या है एरिया ऑफ, और ये क्या है, और एरिया ऑफ कॉपर और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम का कोई डेटा गिवन है आपको, एरिया गिवन है यहां पर, एरिया गिवन है या नहीं है, नहीं है, इसीलिए हमने एरिया को पहले रेजिस्टिविटी के इक्वल निकाला, क्योंकि एरिया गिवन नहीं है हमारे पास में, ठीक है। सो एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी कॉपर और अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, हम इसे रिप्लेस कर देंगे बेटा इससे, ठीक है। सो ये बनेगा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, साथ में है एरिया ऑफ, सॉरी एरिया तो लिख दिया था मैंने, डेंसिटी आएगा, क्या बनेगा जल्दी बताओ, डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ, देखो भाई अब ये बन गया हमारे पास में मास। अब मुझे ये बताओ कॉपर की रेजिस्टिविटी है या नहीं है, ये रही कॉपर की रेजिस्टिविटी है, यहां रखेंगे ठीक, डेंसिटी है या नहीं है कॉपर की ये बताओ, कहां है कॉपर की डेंसिटी 8.9, रिलेटिव डेंसिटी ले लो या डेंसिटी ले लो, वो ऊपर नीचे ना कैंसिल आउट हो जाएगी, तो खाली 8.9 ही आप रखो यहां पर, ठीक है। रेजिस्टिविटी ये हो गई, डेंसिटी ये हो गई, यहां रखेंगे। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ये हो गई ऊपर वाली, और डेंसिटी ये हो गई, समझ में आ रही बात। चारों वैल्यूज को यहां रखेंगे, अगर चारों वैल्यूज को सॉल्व करके एक से बड़ा नंबर आ गया, एक से बड़ा ग्रेटर देन ऑफ वन, तो ग्रेटर देन ऑफ वन कब आता है, इन चारों को यहां रखेंगे, मैं रख के दिखाऊं तो बताओ, मैं रख देता हूं, इन चारों वैल्यूज को यहां रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके अगर एक से बड़ा नंबर आ गया ग्रेटर देन ऑफ वन, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, कॉपर का मास ज्यादा है एल्यूमिनियम का मास कम है, कॉपर का मास अगर ज्यादा हुआ तो वो क्या हुआ हैवी, और एल्यूमिनियम का मास अगर कम हुआ तो वो क्या हुआ लाइटर, और अगर एक से छोटा आया, एक से छोटा कब आ सकता है जब नीचे का नंबर बड़ा हो और ऊपर का नंबर, बताइए समझ आया नहीं आया, तो आप बड़े आराम से यहां से बता देंगे कि कौन हैवी है और कौन लाइटर है बेटा, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, क्लियर है या नहीं है, पढ़ लीजिए नोट। ओके हो गया नोट सभी का, सर आया समझ में कुछ बोलो, बढ़े आगे। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ। भाई सबसे पहले डेटा आप बताइए, क्या गिवन दिया है आपको डेटा, लेंथ कितनी दी है आपको जल्दी से बताइए, अरे कितनी दी है भाई लेंथ 15 मीटर, एरिया कितना गिवन दिया है जल्दी बताइए 6×10⁻¹ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दिया है जल्दी से बताइए, रेजिस्टेंस कितना है बोलो भाई, क्या पूछा है आप लोगों से, बहुत ही आसान है यार, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, सब कुछ गिवन दे रखा है आप लोगों को, लेंथ है, एरिया है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बताइए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए, बेटा आर गिवन है हमारे पास में, एल भी गिवन है हमारे पास में, ए भी गिवन है, रेजिस्टिविटी क्या निकलेगी जरा बताइए, आर ए अपॉन एल, ठीक है सब कुछ गिवन है, यहां पुट कर देना आंसर आ जाएगा किसमें, ओम मीटर में, काहे में आएगा, ये इसकी यूनिट है ओम मीटर,
सब कुछ गिवन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पीडीएफ मैंने सेंड कर दी आपके पास में, कर लोगे, इसे नोट करने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, कर लोगे ना। ओके नेक्स्ट, देखो यार यहां से जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हें बहुत अच्छे से देखना है आप लोगों को। यहां से जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी वो है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें मेटल की, किसकी, या हम बात करें एलॉय की, ठीक है, मेटल की बात करें या एलॉय की बात करें, मेटल और एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, समझ में आ रही बात। और उसी पैटर्न को बेस मानते हुए आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम आने वाली है। अब चलिए इन प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं। बेटा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस या T2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा T2 माइनस के T1। लो बेटा यह है हमारे पास में फॉर्मूला, मान लेते हैं। बात सुनिए भाई जरा ध्यान से, देखो यार मुझे ऐसी क्लास में ना पढ़ाते हो बिल्कुल मजा नहीं आता कि तुम, मैं बता रहा हूं और तुम नीचे मुंह करके बैठे हो। यहां ध्यान दो भाई, जो तुम्हें सिखाई जा रही है बात उसे ध्यान से सुनो। T1 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस आपके पास में है वो है R1, कितना है। अगर हमने टेम्परेचर को T1 से बढ़ाकर कर दिया है T2, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से आता है तो मुझे बता दो, ठीक है स्किप कर देंगे उस क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन आपसे आता है ना तो आप मुझे बता दीजिए कि सर हमसे आता है, हम आगे बढ़ जाएंगे उस क्वेश्चन को छोड़कर। T2 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो है R2। T1 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना था, हम टेम्परेचर को T1 से बढ़ाकर T2 पर ले गए, रेजिस्टेंस R1 से बढ़कर कितना हो गया R2। और इनके बीच में यह है रिलेशन आपके सामने, समझ में आ रही बात कि भाई रेजिस्टेंस बढ़कर कितना हो गया है, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, फॉर्मूला समझना है कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। ठीक है, मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, कौन कौन सी वैल्यूज हमारे सामने है, मतलब गिवन क्या है हम लोगों को। ठीक है, बताइए बेटा गिवन क्या क्या है हमारे पास में, ये बताइए। 27.5 पर कितना रेजिस्टेंस है, मुझे ये बताइए। रेजिस्टेंस एट 27.5 डिग्री सेल्सियस कितना है, 2.1 ओम। अरे बताइए। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस है, ये बताइए, 2.7 ओम। समझ में आ रही बात, हमें अल्फा चाहिए, क्या चाहिए। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में तुमसे क्या पूछा है मुझे ये बताइए, टेम्परेचर कॉफिशियंट पूछा है या नहीं पूछा है, और उसी टेम्परेचर कॉफिशियंट का नाम होता है अल्फा। क्या नाम होता है, समझ में आ रही बात आप लोगों को। ओके, अब आप देखिए ये बताइए मुझे, इन दोनों में से ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, 100 वाला है ना, तो कैसे बनाएंगे हम इक्वेशन, हम इक्वेशन बनाएंगे ऐसे, जो ज्यादा वाला, ज्यादा टेम्परेचर वाला रेजिस्टेंस है उसे इक्वल टू से इधर इज इक्वल टू आर 27.5, ठीक है, 1 प्लस अल्फा, ज्यादा रेजिस्टेंस में से कम रेजिस्टेंस को माइनस करके हमें यहां लिखना है। ठीक है, क्या आंसर बनेगा हमारे पास में ये बताइए, 62.5 बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। 100 में से 27.5 को माइनस करेंगे 62.5 बनेगा। अब मुझे ये बताइए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 2.7, 70। ओह सॉरी भाई मैंने गलत कर दिया, बिल्कुल ठीक बात। यहां कितना रेजिस्टेंस है, 2.7, यहां कितना रेजिस्टेंस है, 2.1, यहां क्या है हमारे पास में, 1 प्लस 72.5 और साथ में क्या है अल्फा। बताओ इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, यहां से क्या निकल कर आएगा आपके पास में, अल्फा, क्या निकल कर आएगा, और उस अल्फा की जो यूनिट होगी, टेम्परेचर कहे में दे रखा है आपको, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में, तो आपकी यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स, समझ में आ रही बात, ये आपके पास में अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सॉल्व करिए फटाफट,
निकल गया पूरा आंसर, निकल गया बताओ क्या है। माइनस तो नहीं आएगा यार, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो 27 को 21 से डिवाइड करेंगे, एक से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, और एक से बड़ी वैल्यू में से एक को माइनस करेंगे तो पॉइंट में आएगा, प्लस आएगा पक्का, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है। 4/1000, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ठीक। क्या बना आंसर चंद्रिका? 4/1 पूरा लिख दो, उसे सही ऑर्डर में लिख दो, मतलब उसमें पावर में लिख दो करके। हम 4×10^-3 यही आ रहा है, 4×10^-3। क्वेश्चन को ना कंप्लीट सॉल्व किया करो जब आप सॉल्व करते हो तो। चलो देखो आगे, देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में ना, पहले डेटा निकाल लो कि आपको गिवन क्या दिया है और आप लोगों से पूछा क्या है। पहले मुझे ये बताओ मेटल और एलॉय के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी धीरे 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 इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मेटल के लिए और एलॉय के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए अलग कंडीशन काम करती है, ये कंडीशन सिर्फ मेटल और एलॉय के लिए है। ठीक है, अब आप देखिए गिवन क्या दिया है आप लोगों को। भाई गिवन उसने दिया है कि 27°C पर जो रेजिस्टेंस है, अरे कितना है भाई 27°C पर रेजिस्टेंस? 100 ओम। बताइए गिवन है या नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि हमने टेम्परेचर को 27 से बढ़ाकर T°C कर दिया है, हमने टेम्परेचर को 27 से इंक्रीज करके कितना कर दिया है, ओके और ऐसा करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करके इतना हो गया है। टेम्परेचर 27 से T पर पहुंच गया तो रेजिस्टेंस 100 से 117 ओम पर पहुंच गया है। अल्फा कितना गिवन दिया है बेटा आपको? अल्फा है 1.7×10^-4°C। क्लियर? एनी डाउट? इक्वेशन बनाइए आप पहले, फॉर्मूला नहीं रटना है बिल्कुल भी, ध्यान से इक्वेशन बनानी है। क्या इक्वेशन बनेगी जरा मुझे बताइए, ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, 27 वाला है या T वाला है? 27 से बढ़ाकर T कर दिया तो डेफिनेटली T वाला ज्यादा होगा। तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास में RT=R27(1+α)T-27(). बताइए समझ आया नहीं है? आर टी पर कितना रेजिस्टेंस है भाई आपके पास में? 117। 27 पर कितना रेजिस्टेंस है? 100। अरे बोलो समझ आया नहीं आया? अल्फा 1.7×10^-4 और यहां है T-27(). ओके, तो हम एक काम करते हैं भाई, इस 117 को 100 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 1.17 और यह है 1+1.7×10^-4 और यह है T-27। 1 को इधर ले जाते हैं, 1.17 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.17। डिवाइड करेंगे 1.7×10^-4 से और यह है हमारे पास में T-27। इसको इससे डिवाइड किया तो बेटा 1000 आएगा आपके सामने। क्या आएगा? 27 को उधर ले जाओगे तो बताओ कितना बन जाएगा? 1027°C। इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 117 ओम। ठीक है, सिंपल इक्वेशन बनाई, वैल्यू पुट कर ये सॉल्व किया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, मुंद्रम समझ आया नहीं आया, कोई परेशानी किसी को? जल्दी नोट डाउन करिए। हो गया, गुड। देखो बेटा आगे देखो, सेम प्रॉब्लम है, मतलब सवाल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन
मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ना उसकी प्रॉब्लम को पढ़ के डेटा निकाल लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज लंबी चौड़ी दे रखी है, बाकी है कुछ नहीं इस प्रॉब्लम के अंदर। देखो क्या हम लोगों को गिवन दिया है बेटा, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज नाइक्रोम एंड एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, एलॉय की बात हो रही है किसी की, एलॉय पर भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है और मेटल पर भी काम करता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आप देखिए क्या कंडीशन है आपके पास में, ये बताइए इतने टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस है, 75.3। तो हम ये कहेंगे 27 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो है 75.3 ओम। क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट आगे देखो क्या है, व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू द स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर। तो भाई सवाल लगभग ऐसा ही है। देखो हमने क्या किया, ध्यान से, कुछ देर के बाद में 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़कर या घटकर हो गया T डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रही बात? और कुछ देर के बाद में बेटा एक रेजिस्टेंस का ना बेसिक फॉर्मूला होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V अपॉन I। उसने कहा कि कितने वोल्ट के साथ में कनेक्ट किया, और कुछ देर के बाद में आफ्टर फ्यू सेकेंड करंट की वैल्यू हो गई इतनी। तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया, कुछ देर के बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया, क्या है रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला, वोल्टेज अपॉन करंट। कितना है वोल्टेज आपके पास में, 230, और करंट कितनी है, 2.68। तो यहां हो गया हमारे पास में 230 अपॉन 2.68 ओम। बिल्कुल वही सवाल बन गया जो सवाल अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। अल्फा की वैल्यू है आपके पास में 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, बताओ बनेगा या नहीं बनेगा, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, अरे समझ आया नहीं आया, इतने टेम्परेचर पर इतने ओम, टी डिग्री सेल्सियस पर 230 अपॉन 2.68, बताओ हो गया या नहीं हो गया? डेफिनेटली ये वाला रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होने वाला है, होने वाला है नहीं होने वाला है? क्या बनेगी इक्वेशन मुझे ये बताइए, इक्वेशन बनेगी आर टी इज इक्वल टू आर 27 वन प्लस एल्फा टी माइनस के 27 ब्रैकेट क्लोज। बेटा ये है आपके पास में, अरे जल्दी बोलो यार, ये भी है आपके पास में, है या नहीं है? अल्फा भी है आपके पास में, क्या नहीं है? टी निकल जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, हो जाएगा ना। शुरुआत में कितना रेजिस्टेंस था इनिशियल कंडीशन में, 75.3, कुछ देर के बाद में बढ़कर कितना हो गया है, 230 अपॉन 2.68, देख लेना डिवाइड करके कितना आएगा। अगर ये 75 से कम आया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घट गया। रेजिस्टेंस कब घटेगा, जब टेम्परेचर को कम करोगे, क्या करोगे, ठंडा करोगे, रेजिस्टेंस कम होगा, और गर्म करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, निकल जाएगा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, रफ करूं मैं इसे, अरे अपने आप से सॉल्व करिए, अब जब बेसिक क्वेश्चन है और मैंने बता दिया है कि क्या तरीका है, तो खुद से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को अब। ठीक है, ओके नेक्स्ट, देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, है ये भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। आप जरा प्रॉब्लम की लैंग्वेज पढ़कर ये बताइए हमें कि इनिशियल कंडीशन में कितनी करंट पास हो रही है, शुरुआत में कितनी करंट पास हो रही है, जल्दी बताओ शुरुआत में कितनी करंट पास हो रही है, 3.2, कितनी पास हो रही है, अरे है या नहीं है? ओके, इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस है आर वन वो है आपके पास में, वोल्टेज कितना है, 230, अरे वोल्टेज कितना है, स्टार्टिंग की करंट कितनी है, लो भैया ये स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस हो गया, मतलब हुआ या नहीं हुआ? कुछ देर के बाद में रेजिस्टेंस कम होकर जो आपकी करंट है वो कम होकर कितनी हो गई है, करंट कम कब होती है, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, समझ में आ रही बात, करंट कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ गया हमारा, बताओ रेजिस्टेंस कितना हो गया, 230 अपॉन 2.8 ओम। जल्दी से बताइए समझ आया नहीं आया? अब ये 27 डिग्री सेल्सियस कौन सा दे रखा है, ये देखते हैं, पूरी प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, ड्रॉ एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, वॉट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। यानी जो इनिशियल टेम्परेचर था आपके पास में, जो इनिशियल टेम्परेचर था आपके पास में वो कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया आपके पास में, जल्दी से, टी हो गया या नहीं हो गया? अल्फा कितना है आपके पास में,
1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मतलब होगा या नहीं होगा, सेम क्वेश्चन है या नहीं है। तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और तीनों बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, ठीक है। क्या निकालना है आपको इसके अंदर मुझे ये बताइए, आपको बताना है कि कितने टेम्परेचर पर पहुंचकर इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्या बनेगी इक्वेशन आपके पास में। इक्वेशन बनेगी बेटा आर टी इज इक्वल टू आर 27 1 प्लस अल्फा टी माइनस के 27। आर टी है आपके पास में, ये रहा आर 27 इनिशियली शुरुआत में, ये वाला वो 27 अल्फा है, टी निकल जाएगा ना। इसे भी खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये 15 और इससे जो पहले की दो प्रॉब्लम है वो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस किस तरीके से बढ़ता है किसी भी मेटल का या एलॉय का। तुम्हें समझ में आया वैशाली, ठीक है। तुम्हें कुछ पल्ले पड़ी बेटा बात, 5-10% आया, ठीक। तो ये सारे एक ही तरीके की प्रॉब्लम्स थी। चलिए देखो भाई, ये है ग्राफ हमारे पास में, पहले मैं आपको एक फिनोमिना के बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने एक बात पढ़ी यार कि अगर हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, ठीक है, या एलॉय को हम गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर गर्म करने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि करंट के रास्ते में रुकावट बढ़ रही है, तो ठंडा करने पर वो रुकावट कम भी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही बात। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास में पीछे, ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब ध्यान से समझिएगा भाई, गर्म करने पर तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर आप उसे ठंडा करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और बहुत चुनिंदा मेटल्स ऐसी होती हैं, बहुत कम मेटल्स ऐसी होती हैं जिनका टेम्परेचर कम करने पर, जब हम उनका टेम्परेचर घटाते गए उनका रेजिस्टेंस भी कम होता गया। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है घटाते जब उनका रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस के जीरो होने का मतलब यह है कि करंट के रास्ते से रुकावट पूरी तरीके से खत्म हो गई, समझ में आ रही बात। और ऐसा मटेरियल जिसके रास्ते से, यानी करंट के रास्ते से पूरी तरीके से रुकावट खत्म हो जाए, रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, उसे हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर का। काहे का नाम देंगे? सुपर कंडक्टर। समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना बेटा, ये सुपर कंडक्टर का ही ग्राफ है, ठीक है। देखो ये वाई एक्सिस पर क्या है आप मुझे बता सकते हो? रेजिस्टेंस। अरे है या नहीं है? एरो का साइन जो आता है वो नीचे की तरफ आता है, एरो का साइन कहां आता है? समझ में आ रही बात आप लोगों को? जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या करते जाओगे, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इस पॉइंट पर आकर रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी जीरो। कितनी हो जाएगी? जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन मर्क्यूरी के लिए। किसके लिए है बेटा? तो ये जो ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मर्क्यूरी के लिए ग्राफ है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच, क्योंकि मर्क्यूरी बहुत चुनिंदा मेटल्स में से एक ऐसी मेटल है, समझ में आ रही बात, जो 4.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? क्योंकि इसका टेम्परेचर घटाते एक ऐसी स्टेट आ गई जहां इसका रेजिस्टेंस जीरो के इक्वल है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो आपसे क्या पूछा है? द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी विद टेम्परेचर रेंज 0 to K, 0 और K के बीच में दे रखा है। नेम द फिनोमिना शो बाय द ग्राफ। क्या इस फिनोमिना को क्या नाम देंगे आप लोग? सुपर कंडक्टिविटी। क्या नाम देंगे? ये जो टेम्परेचर को घटाकर हम रेजिस्टेंस जीरो बनाते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर हो गई ना बात आप लोगों को? लिख लीजिए अपनी कॉपी में और ये ग्राफ भी बना लीजिएगा आप लोग। 4.2 केल्विन पर मर्क्यूरी एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, अगर बेटा आप टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे ले गए, भाई क्रिटिकल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो गया मुझे ये बताओ? जीरो हो गया। अगर आप टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे ले गए तो वहां एक इफेक्ट देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं मीसनर इफेक्ट। और वो मीसनर इफेक्ट ये कहता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक लाइंस,
उस मटेरियल को रिपेल करके निकलती हैं, दूर से निकलती हैं, दूर से। समझ में आ रही बात? ऐसे अगर हमने किसी मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे कर दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कहां कर दिया, तो मैग्नेटिक लाइन उसे दूर से पास होंगी ऐसे। मैग्नेटिक लाइन जो है वो यहां से पास होंगी ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऐसे पास होंगी, ठीक है। और ये कंडीशन तब है जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी डाउन चला गया है। इस मटेरियल का नाम होगा सुपर कंडक्टर। क्या नाम होगा? सुपर कंडक्टर, ठीक है। और ये इफेक्ट हमारा मीसनर इफेक्ट कहलाएगा, मीसनर इफेक्ट, ठीक है। क्लियर? बाकी यह है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग इसे। बोलो, कोई समस्या किसी को? जल्दी बोलो। नहीं है? समझ आ गई बात अच्छे से? ओके, गुड, बढ़े आगे। देखो बेटा, हमें ये दे रखा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कंपाउंड है भैया ये। समझ में आ रही बात? हमें इसके लिए बताना है कि कौन से पॉइंट पर आइडेंटिफाई द रीजन नेगेटिव रेजिस्टेंस वेयर ओम्स लॉ इज ओबे। दो पॉइंट आप लोगों से पूछे हैं, उस पॉइंट का नाम बताना है जहां रेजिस्टेंस नेगेटिव है। ये बताइए, आप लोग रेजिस्टेंस क्या पढ़ते हैं बेटा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? वी अपॉन आई। बताओ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? वी अपॉन आई होता है रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ओके, यहां वाई एक्सिस पर क्या है? करंट। क्या है? एक्स एक्सिस पर क्या है? अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप जल्दी बताओ, स्लोप अगर निकालें तो स्लोप किसके इक्वल होता है? टेन थीटा। यह एंगल एक्स एक्सिस से बनता है, कहां से बनता है बताओ? वाई एक्सिस पर कौन है? करंट। और एक्स एक्सिस पर? जल्दी बताओ, समझ आया नहीं आया? अगर आई को उठाकर वोल्टेज के अपॉन में ले जाएं तो क्या बन जाएगा? वी अपॉन आई। और बताओ वी अपॉन आई क्या कहलाएगा हमारा? यानी टेन थीटा और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे है या नहीं है? अगर हम ये कह सकते हैं यार, अगर एंगल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यानी हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। क्यों भाई, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? जल्दी से बताओ, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? ठीक है, तो आप ये देखो, यहां से लेकर लगभग यहां तक, यहां से लेकर लगभग यहां तक, कुछ किताबों में तो यहां तक भी कह रखा है, लेकिन रियल में यहां तक हमें लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैसी लाइन मिलती है? और जब तक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हम ये कहेंगे कि वहां तक ओम्स लॉ वेरीफाई है पूरी तरीके से। हमें यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो हम कहेंगे कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हमारा ओम्स लॉ सक्सेसफुली ओबे है, ओम्स लॉ पूरी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन बी पॉइंट के आगे जब हम बी से सी जाएंगे तो लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व की फॉर्म में आ जाएगी। काहे की फॉर्म में? और जहां कर्व मिलेगा वहां हमारा ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेयर द ओम्स लॉ इज ओबे ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी। बताइए समझ आया नहीं आया? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अब आते हैं बेटा हम लोग आगे। ये देखो, हमने बी पॉइंट पर एक टच करती हुई लाइन बनाई जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? हमने एक लाइन बनाई एक्स की डायरेक्शन में ऐसे, यहां एक टच करती हुई लाइन, एक लाइन एक्स की डायरेक्शन में। ये एंगल 90 से बड़ा है या छोटा है? जब तक एंगल 90 डिग्री से छोटा रहेगा तब तक रेजिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा बताओ? यहां रेजिस्टेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्लियर? ओके, यहां बढ़ते हैं सी पॉइंट पर। बताइए बेटा, अरे सी पॉइंट पर बताइए भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव? डी पॉइंट पर आ जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री से बड़ा बनेगा। ई पॉइंट पर आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताइए समझ आया नहीं आया? तो कौन कौन से पॉइंट पर रेजिस्टेंस नेगेटिव है ये बताइए, कौन कौन से पॉइंट पर रेजिस्टेंस नेगेटिव है? डी और ई। क्लियर हो गई बात? और कहां से लेकर कहां तक ओम्स लॉ ओबे है? ए से लेकर बी तक। बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं? कोई परेशानी किसी को? नोट कर लीजिए इसे, अच्छा है पॉइंट।